एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अपने बयान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम के पिछले दिनों दिए गए बयान का उल्लेख किया है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका जवाब दिया और कहा, पाकिस्तान कितनी आपत्ति जताए, सच तो सच है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। अफसोस की बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। पाकिस्तान ने अपने बयान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम के पिछले दिनों दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन हम जानते हैं कि सिंध से जो लोग विस्थापित होकर यहां आए उससे पहले अखंड भारत ही था। ननकाना साहिब अखंड भारत के जो हिस्से रहे हैं, हमारे राष्ट्रगान में भी है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।